रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था जो विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले पीएम आवास योजना के सवाल पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने पीएम आवास योजना का लक्ष्य वापस लेने की परिस्थितियों पर सवाल उठाए। यह हंगामा इतना बढ़ा कि बीजेपी विधायकों ने गर्भगृह में उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर सहित विपक्ष के 11 विधायकों को निलंबित कर दिया। एग्जैक्ट आंकड़ा भी आपको बता देता हूँ 2021 का। केंद्र सरकार ने लक्ष्य दिया था 4,48,867 का, इन्होंने इनकी इनपावर कमेटी ने स्वीकृत की 1,57,815 आवास। जब आपने उतने आवास स्वीकृत कर दिए और इसमें आप उसको देख ले परिशिष्ट को, केंद्रांश आता है नहीं आता है, राज्यांश दोनों का उपलब्धता है, यह मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि राज्यांश को आप जारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप जाने, आपने 2 वर्ष का स्वीकृत किया है। तो अब मेरा प्रश्न यह है इसमें कि आपने गरीबों की इस योजना में 4,51,000 2021 में वापस करने के कारण क्या थे? अगर राज्य को उसके जायज केंद्र से मिलने वाले राजस्व के हिस्से को ही आप उपलब्ध नहीं करा पाओगे तो राज्य अपने काम कैसे करेगा? और लोन लेने पड़ेंगे। आप 20,000 करोड़ रुपए तक की हमारी राशि, राज्य की राशि, जो हमारा अधिकार है, हमारा हक की राशि है, उसको आप उपलब्ध नहीं कराओगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? हमको लोन लेना पड़ेगा, तो लोन किस किस चीज के लिए लेंगे? उसकी एक सीमा है।